दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ मोहन मिश्रा जी हैं, सेक्रेटरी हैं नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग के। और आज फरीदाबाद चैप्टर की मीटिंग हो रही है फरीदाबाद के महालक्ष्मी पैलेस होटल में। सर से बातचीत करते हैं और यहाँ पर इन्होंने अभी अभी लोगों को संबोधित किया और बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। लोगों में जोश और उत्साह भरा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय ज़रूर दीजिए। वैसे हमने दे दिया। मैं मोहन मिश्रा सेक्रेटरी हूँ नेशनल राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, जो कि सहकारिता मंत्रालय के अंदर आती है। आज ये सर फरीदाबाद चैप्टर की जो मीटिंग हुई है, आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? वैसे आपने भाषण में काफ़ी उत्साह भरा लोगों में, काफ़ी बताया फरीदाबाद के विकास के बारे में और देश के विकास के बारे में, आगे किस तरह से तरक्की होनी है, बाकी क्या कहना चाहेंगे? चूँकि सहकारिता के माध्यम से जो है पूरा देश ओतप्रोत होने जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने 54 बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे सहकारिता का सेक्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा रोजगार का जो है रोजगार आने वाले दिनों में होंगी। इसके अलावा जो है सहकारी समितियां सचमुच में एक बिज़नेस मॉडल पे, बहुत अच्छे बिज़नेस मॉडल पे काम करेंगी पूरे देश भर में। और मेरा पूरा मानना है कि ये चैप्टर जो हमारी सीएम में जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जो आज फरीदाबाद चैप्टर में जो जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिसमें वरुण जी के निर्देशन में यह हुआ कार्य, इसमें जो प्रोफेशनल्स हमारे साथ सहकारी क्षेत्र के साथ जुड़ने चढ़ते हैं उनके लिए क्या अवसर हैं, किस प्रकार से वो व्यावसायिक एंड पेशेवर ढंग से सहकारी समितियों को आगे बढ़ने के लिए जागरूक कर सकते हैं, उस विषय पर चर्चा हुई। और मेरा मानना है कि प्रोफेशनलाइजेशन की बात जब होती है, पेशेवर ढंग से जो भी बिजनेस एंटिटी काम करेगी, चाहे उस सहकारी समिति ही क्यों ना हो, जिसमें एक तरफ से बहुत सारे पॉलिसी निर्णय सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए हैं और हर राज्यों में लगभग ये तय हो चुका है और चीज़ें जो हैं सहकारी और सहकारिताओं को पेशेवर ढंग से कार्य करने के लिए जो भी आर्थिक वित्तीय एवं जो सहयोग दिया जा रहा है और जो पॉलिसी सहयोग दिया जा रहा है उसमें किस प्रकार से कॉस्ट अकाउंटेंट जो ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ ऑपरेशंस में जो कॉस्टिंग की डिफ़िकल्टीज़ आती है और किस प्रकार से जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं, जो कि हर वित्तीय संस्था को देखना होता है, सहकारिता भी एक प्रकार की इकोनॉमिक एंटिटी है, उनको किस प्रकार से ये पूरा का पूरा देश भर में कॉस्ट अकाउंटेंट का ये जो बहुत बड़ा प्रोफेशनल ग्रुप है वो मदद कर सकता है। मेरा मानना है कि अवसर बहुत हैं प्रोफेशन के सामने और कोऑपरेटिव्स भी को भी प्रोफेशनलाइज करने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। वरुण सुखीजा जी हैं, चेयरमैन हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं ये बताइए। बेसिकली हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो देश भर में 90,000 मेंबर को होल्ड करता है और 5,00,000 स्टूडेंट है। हम लोगों का प्रोफेशन जो है वो एक्सक्लूसिव कॉस्ट ऑडिट को लेके है, लेकिन आज की डेट में मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जीएसटी ऑडिट हो, तमाम दुनिया भर के जितने ऑडिट्स हैं वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट करता आ रहा है। और जैसे सर ने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी में अब जरूर हमारा कुछ ना कुछ आगे मेंबर्स को काफ़ी योगदान कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे सर ने बताया नेशनल काउंसिल कोऑपरेटिव ट्रेनिंग हमारा सहयोग करने जा रहा है। आज का जो प्रोग्राम था उसका पर्पज़ क्या था, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो हमने ये पर्पस प्रोग्राम रखा है वो अपने कॉस्ट अकाउंटेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताने पे रखा है कि किस तरह से एक कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा क्या रोल निभा सकता है। और इसको लेके हम काफ़ी, सर ने बताया हमारे चीफ गेस्ट सर मोहन मिश्रा जी ने, कि इस तरह से ब्लूप्रिंट स्टार्ट हमने कर दिया है और यहाँ से आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। कितने लोग आए हैं प्रोग्राम में और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? प्रोग्राम में तमाम जगह से लोग आए हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, और तकरीबन 100 लोगों की भीड़ यहाँ पे जुड़ चुकी है और अभी और आने की अनुमान है, क्योंकि हमारा दूसरा सेशन जो है वो जीएसटी एनुअल रिटर्न और रिकन्सिलेशन पे रखा गया है, जिसमें जिसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सीजीएसटी से रहने वाले हैं। अच्छा जी, और बहुत सारे स्पीकर भी आए हुए हैं जो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके नाम भी बताइए सर। मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोग्राम हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जॉइंटली प्रोग्राम फरीदाबाद चैप्टर के सेशन से रखा गया है, जिसमें मोहन मिश्रा जी हमारे चीफ गेस्ट, सीएमए नवनीत जैन जी सेंट्रल काउंसिल मेंबर, सीएमए एसएन मित्तल जी चेयरमैन एनआईआरसी,
सीएमए संतोष पंजी सेक्रेटरी एनआईआरसी, सीएमए माधुरी कक्षप आरसीएम रीजनल काउंसिल मेंबर एनआईआरसी, सीएमए संदीप कुमार जी, सीएमए साहनी जी फॉर्मर चेयरमैन एनआईआरसी, सीएमए ललित कुमार जी ट्रेजरर फरीदाबाद चैप्टर और सीएमए अनिल सुनेजा जी वाइस चेयरमैन फरीदाबाद चैप्टर मौजूद हैं और हमारे सीएमए अजय यादव जी सेक्रेटरी फरीदाबाद चैप्टर मौजूद हैं। और तकरीबन इस तरह से हमारे कांतिलाल गोयल जी जो काफ़ी फरीदाबाद चैप्टर से हमारा सहयोग देते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर एमके अनंत साहब भी आने वाले हैं कुछ समय, उनका बोर्ड मीटिंग का कुछ है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, वो भी जल्द पधारने वाले हैं इस प्रोग्राम में। हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे कांतिलाल जी? आइए सर, नमस्कार, आज मीटिंग में आए हैं सर। क्या बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आज वरुण जी ने, एंड इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल टू आवर मेंबर्स, एंड दिस इज ए स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर टू अरेंज सच एक्टिविटीज, एंड आई होप इट विल बी गोइंग ऑन वेरी ट्रेमेंडसली इन द फ्यूचर, एंड इट विल बेनिफिट टू ऑल ऑफ आवर मेंबर्स। थैंक यू जानकारी देने की, थैंक यू। ठीक है सर, हमारे साथ साहनी जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए उसके बाद आगे की बात शुरू करें। मैं रवि साहनी हूँ, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द NIRC 16-17 एंड ए प्रैक्टिशनर फॉर लास्ट मोर देन 25-26 ईयर्स नाउ। सो दिस इज़ अ प्राउड प्रिविलेज टू मीटिंग में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग बहुत अच्छी है और ये जिस एरिया पे मीटिंग हो रही है ये बहुत ही अच्छा एरिया है कोऑपरेटिव का। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे देश के जो कोऑपरेटिव हैं उनकी सक्सेस स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है, मुझे भी नहीं पता था कि इफ्को दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है जो हमारे देश में है। और ये जो कोऑपरेटिव्स की ब्यूटी ये है कि ये ग्रास रूट लेवल पे 40 करोड़ लोग हमारे देश के, हमारे देश की जनसंख्या है 140, ऑलमोस्ट 1/3 लोग इस कोऑपरेटिव से जुड़े हैं। तो इसमें बहुत सारे कोऑपरेटिव हैं, मिल्क कोऑपरेटिव, अमूल आप जानते हैं, फर्टिलाइज़र के कोऑपरेटिव, बैंकिंग कोऑपरेटिव्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के। तो ये जो ग्रास रूट लेवल पे फार्मर जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। और देश के तीन बड़े सेक्टर हैं, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक सर्विस सेक्टर है और एक हमारा जो फार्मर्स का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। तो ये दो सेक्टर्स और जो इकोनॉमिक हैं इन्होंने ऑलरेडी बूम देख लिया है। अब जो तीसरा जो सेक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा हमारे देश की जनता जुड़ी हुई है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर, वो डायरेक्टली कोऑपरेटिव्स के रूट से जुड़ा हुआ है। तो इस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी का अब ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सहकारिता से सबका समृद्धि, तो सबका विकास। तो ये जो तीसरा सेक्टर जब इकोनॉमी का जब ये ब्लॉसम होगा तो एक तरह से आपकी भारत की इकोनॉमी में क्रायोजेनिक इंजन लग जाएगा। अभी आज हम 5वें स्थान पे हैं तो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि जब 100 साल पूरे करें उससे पहले पहले हम दूसरे तीसरे स्थान पे हो जाएं, ये बहुत पॉसिबल है। और ये पॉसिबल तब है जब इस कोऑपरेटिव सेक्टर को हम जो इसके सम्मान है, जो इसकी जगह है उसको वो सम्मान दें। और इसके लिए हमारी जो संस्था है वो बिल्कुल तत्पर है, इनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करने के लिए तत्पर है। ठीक है, हमारा पूरा सपोर्ट पूरा सहयोग इस सेक्टर के लिए रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ SN मित्तल जी हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए पूरा। माई सेल्फ CM SN मित्तल, प्रेजेंटली चेयरमैन नॉर्थन रीजन काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नॉर्थन रीजन काउंसिल के अंतर्गत अभी प्रेजेंटली 34 चैप्टर्स हैं जिसमें फरीदाबाद भी एक चैप्टर है, जो कि फरीदाबाद चैप्टर ए कैटेगरी चैप्टर है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है काम कर रहे हैं प्रोफेशन के लिए। आज जो इन्होंने कोऑपरेटिव समृद्धि वाला जो इशू लिया है सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत कॉस्ट अकाउंटेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि इसको हम अच्छी तरीके से हमारा जो है क्रिएटिविटी लें कोऑपरेटिव सेक्टर में से, तो कम्युनिटी के साथ साथ गवर्नमेंट को और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में और वैल्यू एडिशन में सहायता मिलेगी। बिल्कुल जी, आज जो मीटिंग हुई है अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत ही अच्छा है। उसके साथ ही साथ हमारे साथ जो है कोऑपरेटिव ट्रेनिंग काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं मिश्रा जी, वो भी रहे हैं और उनका बहुत ही अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में उन्होंने इसको लिया है। और आगे भी हम स्टेट लेवल पे और हमारे हर चैप्टर लेवल पे प्रयास करेंगे कि हर
कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस तरह के प्रोग्राम्स करें और हमारे प्रोफेशन के बारे में जागरूकता बताएं कि कैसे एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत अपना वैल्यू एडिशन दे के और समाज और देश के लिए और सोसाइटी के लिए अपना वैल्यू एडिशन दे सकता है। इसी के साथ में हम अभी 16 तारीख को 16 दिसंबर को हमारे जो नॉर्थन रीजन है उसकी हेडक्वार्टर जो हमारी रीजनल चैप्टर इंस्टीट्यूट की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके साथ में हरिद्वार में चैप्टर्स मीट भी करने जा रहे हैं। इस मीट का उद्देश्य हमारा यही है कि चैप्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या फ्रेमवर्क किया जाए और कैसे हम सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं प्रोफेशन के लिए, इस तरह का हमारा मिशन प्लान है। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत। थैंक यू। ठीक है सर, तो हमारे साथ संतोष पंत जी हैं और इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज जो मीटिंग हो रही है सीएमएस का कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रोल रहेगा, आगे इनकी क्या भागीदारी होगी, थोड़ा इस बारे में बताइए सर। देखिए, हम लोगों का जो कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रेजेंस है अक्रॉस द नेशन है। ठीक है, हम लोगों के हेड ऑफिस है, फिर रीजनल ऑफिसेज हैं, उसके बाद में हमारे चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स हमारे छोटे छोटे लेवल पे भी हैं, मतलब सिटी लेवल पे, गांव लेवल पे भी हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी यही ब्यूटी है क्योंकि वो उसका भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो हम लोग जिस लेवल पे काम करते हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी भी करती है ग्रास रूट लेवल पे। अब क्या है कि जैसे एक नई मिनिस्ट्री एमर्ज हुई है तो एक डिपार्टमेंट एमर्ज हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो हमारे को भी ये है कि उनके साथ में अलाइन होकर के जिस लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है, अगर हमारा इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर लेवल है वो अगर सोसाइटी के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल जो गाँव पर सोसाइटी होती हैं उस लेवल पर अगर हमारा अलाइन होता है कि हमारी सर्विसेज हमें किसी भी लेवल की देनी है, सपोज हम कहते हैं कि हमें सर्विसेज देनी है, अकाउंटिंग की सर्विसेज देनी है, वहाँ पे इतने अगर हम कहें कि गांव लेवल पे इतने क्वालिफाइड लोग नहीं होते हैं, उनको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में हम लोगों के हेल्प हो जाती है। या कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ब्यूटी होती है कि उसमें बोर्ड में मेंबर्स होते हैं, तो बोर्ड में मेंबर्स अगर जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट होगा तो अच्छी हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस होता है, तो हम लोग अपना जो एक्सपीरियंस है उन लोगों के साथ शेयर करेंगे और डिसीजन मेकिंग में उनको काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि मीटिंग बढ़िया हुई है, मतलब बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है। इनफैक्ट मिश्रा जी ने हमें काफ़ी डिटेल में समझाया है। जैसे हम लोग बचपन में समझते थे कि भाई कोऑपरेटिव का मतलब हमारे को दिमाग में आता था कि दूध की डेयरियाँ होती हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं या फिर छोटे छोटे लघु और करघा उद्योग जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन आज जो एक मिनिस्ट्री बनने के बाद में एक जो कंट्री के लिए ब्रॉडर विज़न समझ में आया है वो उससे ऑल टुगेदर हमें लगता है कि हम लोगों का भी एक विज़न और ज़्यादा बड़ा हुआ है कि हमें लगता है कि हाँ जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है हमें उसमें कैसे अलाइन होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का भी पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूट है और हमारी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग सोसाइटी को सर्व करें। और जब कंट्री जब इस लेवल पर जाना चाह रही है कि भाई एक नया मिनिस्ट्री डेवलप हो रहा है और साथ में वर्ल्ड लेवल पर हम लोग जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखते हो वर्ल्ड लेवल पर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज़ की बात करता हूँ तो वो इंडिया की कोई नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो शायद हमारा स्थान बहुत ऊपर है। और हमारा जब भी प्रॉब्लम आती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही हमें बैकिंग करती है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट अगर हमारी बॉडी है तो हम भी इसको सपोर्ट करें। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ सर, नमस्कार, क्या नाम है? संदीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे आज जो मीटिंग हो रही है? मैं इस इंस्टीट्यूट का सीएमए इंस्टीट्यूट का फेलो मेंबर हूँ और जो यहाँ फरीदाबाद चैप्टर ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एक्चुअली हम लोगों का मकसद है कि गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसीज़ को सफल बनाने में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सबके लिए सब पॉलिसी में बजट का काम हम लोग करते हैं कि किस तरह से हर पॉलिसी पे, हर प्रोजेक्ट पे कॉस्टिंग को कैसे कम किया जाए। आपने सुना होगा कि चंद्रयान 3 में पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉस्ट कम किया, कम बजट में हो गया। तो जो कॉस्टिंग के टूल्स हैं वो केवल कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के पास है और ये इंस्टीट्यूट आज से नहीं 1959 से है। और आप जब देखेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट में टॉप लेवल पे तो डायरेक्टर फाइनेंस के रूप में कम से कम 30-40 कंपनीज के जो बड़े बड़े कंपनी हैं उस पोस्ट पे हमारे मेंबर्स कार्यरत हैं। इंडिया के अंदर में लगभग 90,000 मेंबर हैं। पहले ICWA के बचाते हैं आप? हाँ, पहले ICWA के नाम से जानते थे, अब CMA के नाम से जानते हैं। तो
आज हम लोगों ने कोऑपरेटिव सेक्टर को टच करते हुए फरीदाबाद में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने का काम किया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है फरीदाबाद चैप्टर के द्वारा, और हम ट्राई कर रहे हैं कि कॉस्ट से किस तरह से सोसाइटी को बेनिफिट दिया जा सके। थैंक यू किया आपने, धन्यवाद। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? My name is CMA माधुरी कश्यप। आई एम ट्रेजर ऑफ NIRC CMA। मीटिंग हो रही है फरीदाबाद चैप्टर की, कॉस्ट अकाउंटेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या दिखा, क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे? इन दैट मीटिंग आई वॉन्ट टू से यहाँ पर जो हमारा कोलेब्रेशन चल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, हमारे इंस्टीट्यूट का जो इनिशिएटिव लिया गया है हमारे सेंट्रल काउंसिल टीम के लिए, तो हमारी पूरी टीम जो इस पर काम कर रही है, एक्चुअली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि कनेक्ट करना, कोलेब्रेशन करना विद गवर्नमेंट इन मैनी वेंचर्स, मैनी सेक्टर्स, इट्स ऑल्सो गुड फॉर अस। ओके, सो मैं मानती हूँ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इतना ज़्यादा वाइल्ड एरिया है हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, हमारे अपकमिंग प्रैक्टिशनर के लिए जो न्यूली क्वालिफाइड हैं या जो अभी वर्किंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इट्स गुड फॉर देम ऑल्सो। आपको भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ट्रेजरर है, yes. तो किस तरह से मैनेज करती हैं, किस तरह से संभालती हैं चीज़ें? एक्चुअली मैनेज किया, हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है इसमें, तो पूरी टीम का सपोर्ट रहता है हर एक काम में, तो उसमें कुछ ज़्यादा इतना एज अ ट्रेजरर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, तो कर रहे हैं वो सब लोग बस बचत करना, वही सर, वही कोशिश रहती है कि जो भी पैसा है वो एकदम सही जगह यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर, क्योंकि स्टूडेंट्स का पैसा होता है, आप स्टूडेंट पर यूज़ नहीं करेंगे, उनको ग्रूमिंग करना, उनको नॉलेजेबल बनाना, तो वही हमारा टारगेट रहता है। तो अच्छा लगा आपको मीटिंग में आके? बहुत अच्छा लगा। और जो मोहन मिश्रा जी हैं, उन्होंने किस तरह से लोगों को संबोधित किया? मिश्रा जी के बारे में बोलना चाहूँगी, सर ने एकदम अपना इमोशन दिखाया है कि हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, वो कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक कनेक्ट मिसिंग रहता है ना दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसके ऊपर उन्होंने बात की टोटली। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि अपने मेंबर्स से, अपने स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, या उनको ट्रेनिंग दीजिए आप कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में क्या स्कोप है उनके लिए, और एक तरह से उन्होंने हमारे सामने वो परोस दिया है पूरा, अब हमारे ऊपर है, इट्स ऑन अप कि हम कैसे उसको बिल्कुल बेनिफिट ले पाते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत, धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ नवनीत जैन जी हैं, CCM चेयरमैन हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, जो मीटिंग हो रही है फरीदाबाद चैप्टर की और यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट्स आए हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इनका जोश बढ़ाएंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये फरीदाबाद चैप्टर के लिए एक बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए। एक नया एरिया एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि आज तक अनटच्ड रहा है, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है कि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया जाए, और उन्होंने एक नारा दिया है सहकार से समृद्धि। तो आज इंस्टीट्यूट ने हम मिल के इकट्ठे होके एक अच्छा प्रोग्राम चलाने की कोशिश की है कि सहकार से समृद्धि के बारे में बताया जाए, और कैसे कॉस्ट अकाउंटेंट किस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर अलग अलग मेंबर्स जो हैं हमारे, 30 करोड़ हमारे प्राइमरी मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, तो उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से अपना काम संभालें और आगे बढ़ते जाएं। प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ और बोली थी कि भी किसानों की इनकम दुगनी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये सहकार से समृद्धि बेसिकली उसी चीज़ के लिए है, और उसमें हम ये चाहते हैं जो अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं उस पर कॉस्ट अकाउंटेंट जाके गाइड करें सहकारी समिति को, ताकि अच्छे तरीके से काम हो पाए। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे मोहन मिश्रा जी, जो NCCT के सेक्रेटरी हैं। तारीफ हो रही सर की, बहुत अच्छी स्पीच दी है इन्होंने, बहुत अच्छी स्पीच दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें आज तक पता नहीं था उस चीज़ के बारे में बताया हमारे मेंबर्स को। आज तक जो कॉस्ट अकाउंटेंट है खाली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम करते रहे हैं, और वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी होती है उसी में जाके काम करते हैं। बट जो हमें लग रहा है वो कहते हैं कि जब तक ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे, ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे प्रोफेशन का भी आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। वो हमें लगा ये बिल्कुल सही बात है,
और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर हम जुड़ते हैं उनके साथ तो एक कहते हैं ना कि भाई कुछ सोशल इनिशिएटिव हो गया, वो भी हमारी ओर से हो जाएगा कि हम किसी की हेल्प करने के लायक भी तो बने इस तरीके से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा चल रहा, बड़ा अच्छा है हम लोगों के लिए, एक्सप्लोर करेंगे नए एरियाज़ को, और लगता है कि भाई आने वाले 2-3 सालों के अंदर कास्ट अकाउंटेंट्स एक कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर अच्छे तरीके से चाहे होंगे और जल्दी ही हम बड़े बड़े और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ सर नमस्कार, क्या नाम है? CMA ललित कुमार, ट्रेजर फरीदाबाद चैप्टर ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, स्टैचुरी बॉडी सेट अप बाय द पार्लियामेंट इन 1959। सो वी हैव ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स एंड 90,000 मेंबर्स। तो वी आर इन द एरिया ऑफ कॉस्ट ऑडिट, GST ऑडिट्स। नाउ GST ऑडिट इज अबोलिश्ड, बट इन इनकम टैक्स ऑडिट एंड वी हैव ए वेरियस मेंबर्स इन अक्रॉस द कंट्री, जो हमारे PSU सेक्टर्स में भी लगे हुए हैं और प्राइवेट में भी लगे हुए हैं और एज वेल एज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इनकम टैक्स एरिया में भी काम करते हैं, GST एरिया में भी काम करते हैं, कॉस्ट ऑडिट में भी काम करते हैं। हमारे बहुत सारे काफ़ी मेंबर्स जो हैं PSU सेक्टर्स में आज जो अच्छी पोजिशन पर जॉब कर रहे हैं और कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब लास्ट ईयर हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन एडिशन आया, वैल्यू ऑडिट आया जो इनकम टैक्स के अंदर गवर्नमेंट लेकर आई है, उसमें CMAs को ऑथराइज़ किया गया है कि आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑडिट को आप कर सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रैक्टिसिंग फर्म को कॉस्ट अकाउंटेंट्स को ऑथराइज करेगा, वो आप उनकी कंपनीज का इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑडिट कर सकते हैं। और अब जो कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटीज़ हैं, डेवलपमेंट बोर्ड जो हैं, उसमें भी CMAs जो हैं वो ऑथराइज हैं ऑडिट करने के लिए। जिम्मेदारी बढ़ गई रोल। हाँ जी हाँ जी। तो ये सब एरिया कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक आने वाली जनरेशन के लिए भी वो है कि बच्चा जो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, और उनके लिए आगे स्कोप बहुत है, वेरियस एरियाज में स्कोप है। कंपनीज एक्ट के अंदर स्कोप है, इनकम टैक्स के अंदर। कैसे लेते हैं सर? एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो 12th बाद एडमिशन का क्राइटेरिया शुरू हो जाता है। 12th के बाद बच्चा फाउंडेशन में एडमिशन लेता है, और फाउंडेशन के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंटर में और इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट के लिए हमारे 8 पेपर 8 एग्ज़ाम्स होते हैं, 8 वो पास करने के बाद फाइनल में एग्ज़ाम जाता है बंदा, और फाइनल में भी 8 एग्ज़ाम पेपर होते हैं। पेपर पास करने के बाद हमारी उससे पहले हमारी 15 महीने की ट्रेनिंग भी होती है, जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स फर्म के अंदर करनी पड़ती होती है, और PSUs में और गवर्नमेंट कंपनीज में भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड उसके नेक्स्ट हमारा कंपनी कोर्स करते करते बच्चा जो है वो SAP कंप्यूटर लेवल का कोर्स भी है, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो जब बच्चा फाइनल पास करता है तो एक सब कुछ उसके अंदर एक्सपर्टाइज आ जाती है। 15 महीने की ट्रेनिंग भी है, उसके बाद SAP का कोर्स भी है साथ साथ, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स भी है, 5 मॉडल ट्रेनिंग भी है साथ साथ। तो बच्चा जब फाइनल पास करके निकलता है तो एक जस्ट लाइक उसका आगे मार्केट में बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है उसकी। किस तरह की जॉब लगती है सर? ये हमारी जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर काम कर सकता है, इनकम टैक्स के अंदर काम कर सकता है, कॉस्ट ऑडिट के अंदर काम कर सकता है। कंपनीज के अंदर कॉस्ट ऑडिट का अलग से डिपार्टमेंट होता है, कॉस्ट कंट्रोलिंग का, कॉस्ट ऑडिट का, वेरियस एनालिसिस का के ऊपर काम करते हैं, MIS के ऊपर काम करते हैं, GST टैक्सेशन के ऊपर काम करते हैं, अकाउंट्स फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। तो सब देर आर वेरियस स्कोप्स इन CMAs। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत। थैंक यू।